एस्प्रेसो मशीन के डेमोंस्ट्रेशन में आप सबका स्वागत है। मशीन ऑन करने से पहले सभी वाल्व और प्रेशर मीटर को चेक कर लें। ध्यान रखें कि नीचे का वाल्व बंद हो, वरना अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। मशीन में पानी भरने के लिए पहले स्टीम पाइप के दोनों वाल्व खोल दें। अब पानी भरने का वाल्व भी खोल दें। अब स्वच्छ पीने का पानी मशीन में भरें। आपको दिखेगा कि वाटर लेवल ट्यूब में पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। अब पानी भरने का वाल्व और दोनों स्टीम वाल्व को ठीक से बंद करें। एस्प्रेसो मशीन के प्लग को इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाकर स्विच ऑन करें। आपको दिखे लाइट ऑन हो गई है। थोड़ी देर में मशीन से पानी उबलने की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। प्रेशर मीटर में धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता दिखेगा। लगभग 2 बार यानी 2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 30 PSI पे एस्प्रेसो मशीन अपने आप पावर कट ऑफ कर लेगा और मशीन ऑफ हो जाएगी। अब एस्प्रेसो मशीन चाय या इंस्टेंट कॉफी या सूप बनाने के लिए तैयार है। अब जब भी मशीन के अंदर स्टीम का प्रेशर कम होगा, तब मशीन अपने आप ऑन होके अंदर का प्रेशर बना के वापस अपने आप बंद हो जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रिक पावर भी बचता है और मशीन हर वक्त काम करने के लिए तैयार भी रहता है। एक बार आप स्टीम पाइप के वाल्व को खोलकर स्टीम को 1 सेकंड के लिए निकाल के चेक कर लें। चाय बनाने के लिए आप एक खाली जग में दूध ले लीजिए। उसी में ही चाय पत्ती और शक्कर को डाल दीजिए। आप इसमें अपने स्वाद अनुसार अदरक, इलायची या अन्य मसाले भी डाल सकते हैं। एस्प्रेसो मशीन की स्टीम पाइप आपके मिश्रण से भरे जग के अंदर डुबोकर स्टीम वाल्व खोलें। शुरुआत में वाल्व को धीरे धीरे खोलें और जब लगे कि पूरा मिश्रण गर्म हो गया है, तब वाल्व थोड़ा ज्यादा खोल के चाय उबालें। आवश्यकता के अनुसार स्टीम वाल्व को कम ज्यादा खोलें और चाय को पकाएं। लगभग 2 मिनट में ये मिश्रण ठीक से उबलकर एस्प्रेसो चाय बन जाएगी। अब स्टीम वाल्व बंद करके जग को रख के स्टीम पाइप को पोछे से साफ कर लें। अब दूसरे जग में चाय की छलनी से चाय को छान लीजिए। इस एस्प्रेसो चाय को अब आप कप में सर्व कर सकते हैं। ये चाय अन्य चाय से बेहतरीन है क्योंकि इसमें चाय को सीधे आग पे उबालते नहीं, पर जापानीज टी सेरेमनी के अनुसार चाय को पानी की भाप में ब्रू करके बनाई जाती है। इस वजह से चाय स्वादिष्ट, हर्बल पोषक तत्व, एरोमा और दूध के क्रीमी स्वाद के साथ बनी रहती है। इसीलिए ये चाय सेहत के लिए भी सही तौर पर लाभदायक है। इसी तरह से आप इंस्टेंट कॉफी या सूप भी बना सकते हैं। यहाँ पर कॉफी की फ्रोथिंग आप कॉफी बनाते वक्त ही कर सकते हैं।